Oh. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू नाइट कैंपिंग वीडियो। तो भाई बहुत स्ट्रगल करके ऐसी जगह पे पहुँचे हैं, लोकेशन पे बड़े मुश्किल से ये जगह मिली। आज भी लेट हो चुके हैं और टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, अभी मैंने टाइम भी नहीं देखा है। अब जाके पूरे एक जंगल को क्रॉस करके हम एक स्पॉट पे पहुँचे हैं, बाकी गाड़ी अपनी स्पॉट तक ही आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी सबसे पहले हवा चल रही है और चारों ओर चीड़ के पेड़ है, तो बिल्कुल बहुत डरावनी आवाज़ आ रही है, हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, इतनी शांति है। तो चले बिना किसी देरी के टेंट लगाते हैं, और आज अपने साथ राहुल और योगेश भाई हैं, तो टेंट लगाते हैं सबसे पहले। बड़ी रिलैक्सिंग फील करा रही है यार ये जो ठंडी हवा आ रही है ना पाइन फॉरेस्ट के बीच में, सच में। तो चलिए टेंट लगाते हैं यार। वहाँ यार लोकेशन बहुत बढ़िया मिली ना, कितना घूमते घूमते बहुत बढ़िया। लगा तो ठीक गाड़ी यहाँ पर फिर रुक मारते हैं। बढ़िया से टेंट सेट हो चुका है और साथ में ही राहुल और योगेश ने बढ़िया आग जला दी है। लग रही है हमारे पास ना बहुत छोटे छोटे हैं, वो पाइन फॉरेस्ट गिरे हैं छोटे छोटे टहनियाँ, तो वही जला रहे हैं, बाकी बड़े लग रहे हैं तो यहाँ पे मुश्किल है। हल्की फुल्की आग भी जल रही है, तो छोटी मोटी हमारे पास लकड़ियाँ पड़ी हैं, वो हम बीच में डालते रहेंगे। बाकी टाइम दिखाता हूँ आपको, 8:08 हो चुके हैं और अभी हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, टेंट से लेके आग से लेके सारा चीज़ परफेक्ट हो चुका है। तो अब बनाएंगे चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है कैंपिंग लोकेशन ढूंढते ढूंढते। आज भी हम हैं आपका शामा रोड के एक किरौली गांव ना, किरौली गाँव है एक, तो उसी के एक जंगल में है। तो एक अंकल ने हेल्प की हमको ये लोकेशन ढूंढने में। चलिए सबसे पहले आप बनाते हैं बढ़िया सी चाय। नींद आने लगी क्या राहुल? अभी तो आती है नींद, थक भी गया होगा यार, क्या पता। इतने तक क्या काम किया है, ट्रैवल किया है तूने? क्या मैंने किया, बड़ी ऐसी कड़क चाय बनाते हैं। क्यों राहुल? कड़क नहीं, जमदार। बढ़िया वाली बनाएंगे, इलायची मार के। आप तो रोज इलायची चलेगी। इलायची प्लस अदरक, अदरक नाम है आपसे वहाँ के। अपने पास पानी ना लिमिटेड है 5 लीटर, बस इसी को हमने सुबह तक चलाना है। हवा चल रही है, कल पीना सुबह पीएंगे। हाँ
लो भाई लो चाय पी दो गरम गरम। लो योगेश भाई आराम से गरम गरम। राहुल ले, राहुल जी को आग जलाने में लगा है। ला भाई ये रही अपनी चाय इसके साथ। ओके बढ़िया से हमारी आगे से बॉनफायर जल रही है और साथ में एंजॉय करेंगे टी। बाकी आसपास का पूरा जंगल ना आपको सुबह देखने को मिलेगा कितना डीप है। मजा आ जाएगा उसमें। चलिए भाई अपना चाय हो चुका है, अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले ना एग बॉईल होने के लिए रख देते हैं। क्या बना रहे हो तो बता। आज बना रहे हैं बढ़िया से एग करी। ओके ठीक है ना। बढ़िया है, ठंडा हो रहा है, ठंडे में नहीं चलेगा तो। राहुल खेल रहा है बढ़िया से मोबाइल में गेम। नेटवर्क नहीं है तो क्या करूँ यार, कुछ तो बनना होगा। 2G आता 2G। ओ आप रख देते हैं एग बॉयल होने के। पानी बहुत कम है यार, लिमिटेड है। हल्का सा इसमें नमक डाल देते हैं। नमक क्यों डालते हैं वैसे राहुल पता है? ताकि ये फटे ना। फटना होगा वो फट ही जाएगा। नहीं फटेगा नमक डाल के साल। बढ़िया से यहाँ पे एग बॉइल हो रहा है गैस पे और आगे पे आग जली हुई है। और आज अपनी दोनों बाइक्स भी अपने कैंप साइट पे ही पहुंचा दी हमने, क्योंकि पूरा ये पूरा जंगल वाला एरिया था तो जंगल के बीच हम चलते आए और इस लोकेशन पहुंच गए। वो बढ़िया है, सुबह दिखेगा यहाँ पे आसपास का नज़ारा। क्यों राहुल कौन सा गेम खेल रहा है? कौन सा गेम खेल रहा है? डॉक्टर ड्राइव। अरे गजब। ये देखिए अपने राहुल भाई की गाड़ी पार्क हो रही है। कौन सी गाड़ी है मेरे को क्या पता है। वरना ये देखो ए आगे शर्ट। ये देखो ऐसा प्लेयर है ये नूब। अभी जो डाउनलोड किया है तो भाई टाइम हो गया आपका कितना हो गया? 9:30 दस के 10 मिनट हो चुके हैं और अंडे यहाँ पर जैसे बॉईल हो चुके हैं। तो बढ़िया एग करी बनाएंगे और साथ में बना देते हैं चावल। क्यों? हाँ बिल्कुल। राहुल को लगी है भूख बहुत ज़्यादा। और योगी भाई बस आग ठीक कर रहे हैं। चावल धोए नहीं धोए रे, पानी कम है। धोने तो पड़ेंगे। हाँ धोले धोले रात में पानी लेने तो जाएगा। हाँ चल लेंगे क्या, 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना तो पड़ेगा फिर। अगर हल्का हल्का धो ही लेते हैं, राहुल की बात मान ही लेते हैं।
मुझे तो हो रहा है ठंडा बहुत जबरदस्त। कुछ कह रहा हूँ ना मैं बात। हाँ राहुल को ठंडा हो गया। और चावल बनने देते हैं, तब तक अपनी चॉपिंग वगैरह हो जाएगी बढ़िया से। क्यों योगेश भाई क्या कर रहे हो तुम? गुप्त बातचीत। तो चलिए सबसे पहले ना चॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, सारी चीज़ काट लेते हैं। बाकी अभी हमने अंडे भी चेक नहीं किए कि वो अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं हुए, अभी चेक करते हैं। प्याज काट के ये काटने की आवाज़ ना पूरे जंगल में गूंज रही है। राहुल टमाटर वगैरह भी निकाल देना है थैली से। चले भाई अपनी सारी चॉपिंग हो चुकी है, बस मिर्च बची है। इसके बाद एग देखते हैं छिलके की अच्छे से बॉईल हुए नहीं हुए। तो ये हैं अंडे, देखते हैं कैसे बने। होप कि अच्छे से बॉईल हो रखे हों यार, अब इसको दोबारा ना रखना पड़े। देखो अभी कोई भी नहीं चले हैं, बस फर्स्ट है। मैं छील देता हूँ, छील दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट। हैज यू सीन इट? क्या हो गया योगी भाई, अगले बात कर रहे हो क्या? बात चावल पक गए राहुल योगेश भाई? ये है चावल अभी नहीं पके हैं ना, फ्लेम थोड़ा सा कम करने लगा गैस की। बाकी आगे से ना योगेश भाई चावल बनाने में लगे हुए हैं और आग के सामने बैठे हैं क्योंकि ठंड ठीक ठाक ठंड हो रही है। तो आप ऐसा मत करना तीनों हम दिख नहीं रहे हैं और राहुल भाई मेरे जस्ट पीछे। मुझे ठंडा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है इसमें डाल दो। क्या तूने पानी कम डाला? हाँ नहीं इसको हिलाई तो एक बार। हाँ नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना, ये पूरा हिल जाएगा। एक एक हाथ से कपड़े से वो पकड़ो, एक हाथ से। ये हो गए अच्छे से एग बॉइल्ड और यहाँ पे प्याज, ये टमाटर, बाकी राइस कुक हो चुके हैं। ये देख सकते हैं बढ़िया से यार खिले खिले राइस बन रखे हैं। पड़ी थी उस ओर, एक मिनट क्या पता जल जाए ऐसी। ये आग तो जल गई पर यहाँ कैसे जलेगी? ऑयल डाल देते हैं, ये काफ़ी जल गए। इसमें सबसे पहले एग फ्राई करेंगे हम, बिना एग फ्राई के ना वो फिर मज़ा नहीं आता खाने में ना राहुल। बिल्कुल एग फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें बाकी हाफ फ्राई हो चुके हैं। देखिए कलर आ गया हल्का हल्का, थोड़ा सा और फ्राई होने देते हैं फिर निकालते हैं इनको और फिर करेंगे प्याज वगैरह फ्राई। जब का अंडा होने की दिन ना खा लो, जब बीमारी में अंडा फिर दूर रहोगे ना। अब इसमें डालते हैं जीरा हल्का सा, एक दो छोटी इलायची डालते हैं। इलायची है यहाँ पर, ये है, ये है। हाँ एक दो छोटी इलायची डाल दो, डाल दे। हाँ ज़्यादा मज़ा। हाँ ठीक है
अब ऐड कर देते हैं साथ में प्याज। ओहो व्हाट अ साउंड। चलो तो ज़्यादा कुक मत बन। हाँ ठीक होता है, तेल हाथ में आएगा फिर। चलो अच्छे से प्याज फ्राई होने देंगे। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँ। एग करी बनने का थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। टाइम का कुछ पता नहीं है, तो तब तक ना दो अंडे काट लेते हैं और फिर नमक लगा के खा लेते हैं। क्यों? वही तो, इसको बनने में टाइम लग जाएगा। वही कितना हो गया टाइम? 11:22। और नमक ऐड कर दिया। थोड़ा सा ना मसाले मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी राहुल को उतना एक्सपीरियंस नहीं है खाना बनाने का। बस वो थोड़ा सा प्याज और टमाटर भून सकता है। क्यों? सीख जाएगा। हल्की हल्की एक टेस्ट करो तुम तब तक। चलो लो योगी भाई। हाँ वो तुम नहीं है कुछ कुछ आग से इतने। हल्का सा इसमें एक करी मसाला डालते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा आएगा, इनहेंस होगा। ठीक है ना, हल्का सा पानी ऐड कर देते हैं, मसाला फिर जल रहा है। ठीक है ना, थोड़ा मसाला पकने देते हैं, फिर इसमें ऐड कर देंगे अंडे और पानी। हल्की बढ़िया सी ग्रेवी बनाएंगे। क्यों? हाँ बढ़िया सा। क्या हुआ, आंसू क्यों आ रहे हैं अभी जो बिना प्याज काटे? अरे वो हो रहा है, जुकाम लग रहा है। ओके ठंडे के मौसम आ गए। मस्त मसाले ऐड कर दिए अंडे। हाँ ऐड कर दिए, मसाला पक चुका है और ऐड कर देते हैं सारे अंडे और भाई भाई मिक्स कर लो, फिर पानी भी ऐड कर देता हूँ ना। बस फिर 5 से 10 मिनट पकने देंगे, फिर रेडी हो जाएगा अपना डिनर। ऐड कर दो पक्का ना? पक्का पक्का। भाई नमस्कार पहला। रात के 12:28 हो चुके हैं और अब जाके अपना डिनर रेडी हुआ। डिनर में अपना ये देख सकते हैं, चावल और बढ़िया एग करी, ये देखिए बढ़िया ग्रेवी बन रखी है। और राहुल भूख से हालत खराब हो गई, राहुल की दिमाग खराब। चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट और डालते हैं और फिर खाते हैं। क्यों गेस भाई, भूख नहीं लगी है क्या? लग रही है ना। चलो फिर चलो। देखिएगा डालना है अभी, बाकी बाद में ले लेंगे। एक बार नमक चल देते यार, नमक रुक गया थोड़ा, अग्नि माता में डाल दो। राहुल भाई कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
पक्का ना मस्त में। तो चलो योगी भाई तुम भी खा लो, टेस्ट करो, काफ़ी लेट हो चुके हैं वैसे, ज़्यादा ही हो गया, काफ़ी नहीं ठीक बढ़िया रहा। थोड़ा सा एग लेंगे और इसको एक कर के हिसाब से रोटी सही होती है, चावल खाने में उतना मज़ा नहीं आता। चले भाई बढ़िया से डिनर हो चुका है अपना, और यार साथ में ना इन पाइन फॉरेस्ट के बीच से आपको दिख रहा होगा छोटा सा हाफ मून आ रखा, और वो भी रेड कलर में, बहुत प्यारा लग रहा है यार। अभी क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा आपको, बट हमें क्लियर दिख रहा है। तो चले रात के 1 बज चुके हैं और अब बारी है सोने की। चारों ओर ना इतना बिल्कुल बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट है बिल्कुल चारों ओर, बस वो कीड़ों की आवाज़ आ रही है। एक बार आप भी सुनिए, ये देखिए बस कीड़ों की आवाज़ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए हमने पूरी साफ़ सफाई कर दी है टेंट के चारों, और अब चलते हैं सीधे टेंट के अंदर। बाकी अपनी ये बाइक यहाँ पे खड़ी है और दूसरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, राहुल और योगेश भाई अंदर चले गए स्लीपिंग बैग वगैरह खोल रहे हैं। तो भाई साहब ठंडा, मिलते हैं आपको कल सुबह एक बढ़िया व्यू के साथ। चारों ओर पाइन फॉरेस्ट है तो ज़्यादा सनराइज वगैरह तो दिखेगा या नहीं दिखेगा कुछ पता नहीं है। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में बहुत अच्छे नज़ारों के साथ। तो चलिए गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ओके हाँ गुड मॉर्निंग तो होगी, चलिए सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बढ़िया से अपनी मॉर्निंग हो चुकी है। कितने बज रहे हैं टाइम पे मैंने देखा नहीं अभी, बस जस्ट अभी हमारी नींद खुल रही है। बाकी आपने लोकेशन देख दी होगी अच्छे से, पूरे पाइन फॉरेस्ट के बीच में हैं हम। तो यार अभी ना सुबह सुबह के टाइम में ठंड हो रही है तगड़ी, तो आसपास बहुत सारे ठीठे पड़े हुए हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और आग जाते हैं फिर। और नींद कैसी आई? बढ़िया बढ़िया, ठंडा तो नहीं हुआ, एक तो हाफ में था। चलो बढ़िया, मैं भाई साहब क्या भयंकर आग लगा दी है राहुल ने। तो साथ ही ना बढ़िया सी चाय बना लेते हैं, क्यों?
पानी भी अपना खत्म हो चुका है लगभग। गिरेगा तो नहीं है, एकदम उबाल आ जाएगा। OMG डॉली चाय वाला बनेगा। आपने देखा होगा डॉली चाय वाले को, चाय हमने अच्छे से उबाल दी है और बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कलर आ गया उसका। राहुल खुशबू आ रही नहीं आ रही चाय की? अच्छा बड़ी अच्छी चाय बन के रेडी है। चाय मसाला नहीं लाया, बस इलायची पड़ी है उसमें, मतलब साथ में है टोस्ट है। क्या हो रहा है, चीनी कम होगी? इतना चीनी खाना चाहिए, जुकाम लगा ना, टेस्ट नहीं आ रहा। तो बढ़िया से यहाँ पर चाय पी जा रही है अपनी और इस नेचर के मज़े लिए जा रहे हैं चारों ओर पाइन फॉरेस्ट। तो चाय वगैरह पीते हैं और फिर यार करेंगे भी पैकिंग वगैरह, फिर क्या करें यहाँ पे ज़्यादा देर, क्योंकि सनराइज वगैरह भी दिखेगा नहीं। सनराइज दिखेगा तो हम कहीं पर रुक के वहाँ पर से एक वीडियो बना लेंगे सनराइज का। तो अभी चाय पीते हैं। सुबह के आपके टाइम दिखाता हूँ, 9:16 हो चुके हैं और अब जाके अपनी सारी पैकिंग हो चुकी है, बाकी सारी साफ सफाई कर दी अपनी हमने कैंप साइट की। तो आप भी अगर कहीं पे कैंपिंग करते हैं तो यार ऐसी लोकेशन को नीट एंड क्लीन रखे ही जाएँ, गंदगी बिल्कुल भी ना करें। तो अभी के लिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, बाकी मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई नाइट कैंपिंग वीडियो साथ और एक बहुत बेहतरीन जगह पे। तो टिल डेट बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू दोस्त, बाय बाय। बाकी ये अपनी योगेश भाई और वहाँ पर खड़ी अपनी बाइक, तो चलते हैं।